आपने कभी कायद द हिचहाइकिंग हीरो के बारे में सुना है? वो 3 महीने के अंदर हीरो से कत्ल के शक में घिरा एक शख्स बन गया, जिसकी अधिकारियों को तलाश थी। वेस्ट फ्रेस्नो में एक अजीब तमाशा हो गया है। एक आदमी ने अपनी कार से PG&E वर्कर को दबा दिया क्योंकि वो वर्कर ब्लैक था, और मदद के लिए आई औरत को ही उसने जकड़ लिया। वो 2 मिनट में उस औरत की गर्दन तोड़ देता। देखा, मैं भाग कर वहाँ गया। स्मैश, स्मैश, स्मैश। ये बच्चा दुनिया के हर शख्स का चहीता बन गया था। आप इन्हें कैसे जानते हैं? इंटरनेट से। ये सच में तुम हो? एक वायरल वीडियो से सनसनी फैलाकर हीरो बन गए हैं। कैसा लग रहा है काय? क्या मैं वायरस हूँ? मैं सनसनी हूँ, मैं हूँ काय। लोग हीरो तो होते हैं, पर वो बेघर नहीं होते। ऐसा मजाकिया अंदाज जो लोगों को लुभा जाता था। वो एक बहुत प्यारा लड़का था, ऐसा जिससे सब आकर्षित हो। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, चाहे आपने कुछ भी किया हो, सबको इज्जत मिलनी चाहिए। आप प्यार के हकदार हैं। कि अगर आप किसी को मशहूर कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में पता तो कर लें। काय द हैचेट वील्डिंग हिचहाइकर को एक शख्स का कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। दरवाजा भी तोड़ा नहीं गया था और कंप्यूटर के नीचे फोन नंबर था जिस पर लॉरेंस काय का नाम लिखा था। वो सब देख कर लगा, क्या ये इस तरह की हरकत को अंजाम दे सकता है? काय को जानने के बाद ख्याल उठा कि वाकई फ्रेस्नो में हुआ क्या था, वो हीरो था भी या नहीं। स्मैश। किसी को सर पे हथौड़ी से मारना हैवानियत है, लेकिन मुझे स्मैश। पर अक्सर जब जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, या तो आप निखर कर सोना बनते हैं या फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। स्मैश।